तो अभी यार वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको बताना चाहता हूँ। कुछ भाई लोग बहुत टाइम से पूछ रहे हैं कमेंट सेक्शन में, भाई तेरे व्यूज़ ही नहीं आते हैं, तेरे सब्सक्राइबर तो 14,000 ही, रीज़न क्या है? तो भाई रीज़न ये है कि मैंने कंटेंट चेंज किया है। जब मैंने शुरुआत की थी तब यार मैं हनी सिंह की न्यूज़ कवर करता था, तो यार मैं जो हूँ रेगुलर रहना चाहता था अपने चैनल पर। तो फिर मैं जो हूँ पंजाबी सिंगर्स के अपडेट्स कवर करने लगा, क्योंकि हनी भाई की आपको पता होगा 6-6 महीने में एक गाना आ रहा था लोका से पहले, क्योंकि वो अपनी हेल्थ से रिकवर हो रहे थे। तो हफ्ते में एक या दो अपडेट मिलती थी जो कि यार ज़्यादा खास भी नहीं होती थी। तो मैं पंजाबी सिंगर्स के अपडेट्स कवर करना शुरू किया, 5-6 महीने उसमें काम किया, उसमें जो है अच्छा रिस्पॉन्स मिला, नहीं 4-5 ही हज़ार व्यूज़ आते थे, क्योंकि उसमें पहले से मेरे बहुत से भाई लोग हैं जो अभी भी हैं, उनको तो अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है क्योंकि यार उनके पास सब्सक्राइबर भी हैं, मेरे पास थे नहीं। तो फिर मैंने शुरू किया हिप हॉप न्यूज़ देना। तो अभी यार लॉकडाउन के बाद ही मैंने वीडियोज़ डालना शुरू किया है जो कि यार हिप हॉप से रिलेटेड होती है। तो अभी जितने भी इंडियन हिप हॉप आर्टिस्ट हैं सबकी न्यूज़ कवर करता हूँ अपनी वीडियोज़ के थ्रू, और भाई रेगुलर हूँ, डेली वीडियोज़ डालता हूँ। तो बस रीज़न ये है कि अभी सब्सक्राइबर नहीं है जो हिप हॉप सुनते हैं मेरे चैनल पे, धीरे धीरे करके वो आने लगे हैं, तो अभी व्यूज़ भी आने लगेंगे। बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग डेली यार वीडियोस देखा करो और चैनल को सब्सक्राइब करो जो लोग नए हैं वीडियो पर, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करो। तो बस आपको यही बात बतानी थी। बाकी बात करते अपन प्ले अपडेट के बारे में जो कि MZ वाला की तरफ से। तो भाई का जो है एक ट्रैक आने वाला था आज, तो अभी वो आउट हो चुका है 8:30 बजे ट्रैक करने में शराब। अगर आपको सुनना है लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप लोग चेक कर सकते हो। बाकी जिसने सुन लिया है कमेंट करके बताओ आपको कैसा लगा है। मैं तो अभी यार वीडियो अपलोड करूंगा उसके बाद ही सुन पाऊंगा। इसके बाद से जो अगली अपडेट सिकंदर कैलो पाजी और एग्जी की तरफ से है, दोनों ने जो है कोलेब्रेशन किया है, एक न्यू ट्रैक आने वाला है जिसका नाम है बेबी। बेसिकली ये जो ट्रैक है वो यार एग्जी का है, उसमें फीचर किए हैं सिकंदर कैलो पाजी। तो अभी ये जो ट्रैक है 5 मई को रिलीज होगा। तो अभी जो अगली अपडेट है वो निकल के आ रही है इक्का की तरफ से, तो उनका एक ट्रैक आने वाला था जिसका नाम है आवाज़ आज़ाद, और ये अपडेट मैं आपको कुछ ही दिन पहले दिया था अपनी वीडियो में। लेकिन अभी ये जो ट्रैक है कल रिलीज़ होने वाला है, मतलब कि 4 मई को, और फैब एंटरटेनमेंट की तरफ से आएगा, लेकिन टाइमिंग नहीं है पता कितने टाइम आएगा, अभी आप लोग चेक करते रहना यार। इसके बाद से अपन बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि निकल के आ रही है प्रधान की तरफ से। तो उनका एक न्यू सॉन्ग आने वाला था जो कि कल आउट हो चुका है, सॉन्ग का नाम है आम जी है मुंडे। सॉन्ग तो परमेश्वर वर्मा का है, उसमें फीचर किए हैं प्रधान। तो उनका जो रैप है वो हरियाणवी में आपको सुनने के लिए मिलेगा। अगर आपको सुनना है ये वाला सॉन्ग तो आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग चेक करो। बाकी जिसने भी सुना है आप लोग बताओ भाई लोग कैसा लगा आपको। तो अभी अपन आगे बढ़ते यार, जो अगले अपडेट है वो निकल के आ रही है ज्ञानी 2.0 की तरफ से। जो लोग इनको नहीं जानते तो बता दे रहा हूँ, एक यूट्यूबर हैं जो कि रोस्ट वीडियोज़ बनाते हैं, वैसे भी बहुत से लोग जानते होंगे पहले से, लेकिन इन्होंने जो है कुछ दिन पहले इक्का पाजी पर एक रोस्ट वीडियो बना दिया था, तो उनके फैंस भड़क गए थे, उनको पसंद नहीं आई वो वाली वीडियो। तो उन्होंने जो है बहुत ही ज़्यादा फोर्स किया ज्ञानी के लिए कि तू सॉरी बोल। तो फिर यार सॉरी बोलना पड़ा था ज्ञानी को, इंस्टा पर एक स्टोरी शेयर किए थे और उसमें मेंशन भी कर दिए थे इक्का पाजी को, लेकिन वो एक टारगेट रखे थे कि मेरी जो रोस्ट वाली वीडियो है जिसमें मैंने इक्का को रोस्ट किया है, अगर उसमें 15,000 लाइक आ गए तो मैं एक डिस्ट्रिक्ट निकालूंगा इक्का और मूव फॉरवर्ड के लिए। तो वो यार अपना प्रॉमिस पूरा किए, वो जो है डिस्ट्रिक्ट निकाल दिए हैं ट्रैक का नाम है कम फूका कर। अगर आपको ये सुनना है लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप लोग चेक करो और सुन के बताना आपको कैसा लगा। और बाकी पता नहीं मैंने आपको ये अपडेट क्यों दी। तो अभी अपन आखिर में बात करेंगे लिल गुलू के बारे में। वो यार इंस्टाग्राम पर लाइव आए थे कल, जिसमें यार वो बात किए थे हनी सिंह एंड इक्का के साथ में कोलेब्रेशन करने की, साथ में ये तीनों कब दिखेंगे, और रफ्तार के बारे में कुछ बात किए, बादशाह और MUN-DAC के बारे में भी बात किए हैं। तो सबसे पहले बताता हूँ मैं आपको रफ्तार के बारे में क्या कहे वो, आप देखो। रफ्तार भैया के बारे में मेरे क्या व्यूज़ हैं भाई, मेरा दोस्त था, दोस्त है, दोस्त रहेगा, कोई चक्कर नहीं है, बाकी बढ़िया फुल पावर काम करता है। अभी कोई मेरे को कुछ ऐसा फुल पावर सा गाना लगा नहीं उसका कोई हाल फिलहाल पीछे, बाकी पहले उसके काफ़ी इतना स्वैग मेरा देसी वगैरह सब बढ़िया था भाई। तो अभी इसके बाद से यार वो बताएं हनी भाई के साथ में कब फीचर करेंगे और इक्का, ये तीनों कभी साथ में दिखेंगे एक ही गाने में। तो अभी आप ये भी देखो, हनी भाई के साथ फीचरिंग कर लेंगे भाई, बड़ी जल्दी कर लेंगे। हनी भाई अभी तो ठीक होके वापस आया, अभी हम लोग मिले हैं और एकदम से इतना सब कुछ मैं बना के वीडियो शूट करके हम लोग डाल नहीं सकते हैं भाई। चीज़ें हैपन होने में, पॉप होने में, बढ़िया चीज़ बनने में टाइम लगता है। पता नहीं भाई, हनी भाई इक्का मैं गाना कर दे बहुत जल्दी, कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है कि बहुत जल्दी कर दें, कुछ कह नहीं सकते। मैं हनी भाई इक्का हम लोग एक गाने में आ जाएँ बहुत जल्दी पॉसिबल है। तो इसके बाद से यार वो बादशाह और बंटाए पर भी कुछ बोले हैं, अभी आप देखो। MUA बढ़िया लड़का है यार, उसको जो करना है वो करता है, उसकी अपनी गेम है, बढ़िया है। बादशाह भाई के सॉन्ग मुझे अच्छे लगते हैं भाई, मैंने हर उसमें बोला है आई, मतलब मेरे को काफ़ी अच्छे लगते हैं बादशाह भाई की लिखाई विखाई, मेरे को काफ़ी कुछ अच्छा लगता है। हाँ, जब मैंने बादशाह भाई को पहली बार मिला था या उनकी वो क्या लिखते हैं क्या नहीं लिखते हैं, मैं तो काफ़ी छोटा था तब, जब मैंने देखा था तब मेरे को यही लगा था कि भाई क्या लिखता है यार ये आदमी,
कि कभी ऐसा लिख भी पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, ऐसा लगता था दिमाग में। लेकिन लिखा आपके भाई ने, मेहनत करी तो सब कुछ होता है भाई। तो बस यार आज के लिए इतनी अपडेट्स है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक करो, कम पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और जितना हो सके यार वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के इधर। बाकी अपन मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।